बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं जहांज़ेब कुरैशी और आप देख रहे हैं किसान न्यूज़। सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल किसान न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम मालूमात आपको बरवक्त मिलती रहें। नाजरीन, महंगे आटे के साथ साथ अब पाकिस्तानी अवाम को महंगी चीनी का सामना भी करना पड़ रहा है। मार्केट में चीनी की कीमत 140 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। पाकिस्तानी अवाम के लिए सस्ती चीनी के हसूल का ज़रिया वाहिद यूटिलिटी स्टोर्स ही है, लेकिन अब चीनी के हवाले से यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं वो कुछ यूं है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी स्टॉक ख़त्म होने का इंकशाफ हुआ है। GM यूटिलिटी स्टोर्स ने बताया कि चीनी की खरीदारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। किसान न्यूज़ ज़राए के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स ने 45,000 मैट्रिक टन चीनी खरीदने के लिए टेंडर मांग लिए हैं, जो कि 20 जुलाई को खोले जाएंगे। लेकिन ज़राए से यह भी पता चला है कि जो टेंडर वसूल हुए हैं वो 130 रुपये फ़ी किलो चीनी के हिसाब से हैं। बहरहाल, इस बारे में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला करे, हतमी फैसला 20 जुलाई के बाद ही होगा। इसी तरह अगर चीनी के स्टॉक के हवाले से बात करें तो सिर्फ पंजाब में शुगर मिल्स के पास 19 लाख टन चीनी का स्टॉक मौजूद है। चीनी का परचून निर्ख 98 रुपये मुकर्रर होने के बावजूद चीनी 150 से 160 रुपये किलो बिक रही है और इसमें कहीं भी चीनी का निर्ख कम होने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। तो ये तो थी दोस्तों आज की मालूमात। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। जहाँ से कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगेबान।